अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट रियान सरवर और आप शो देख रहे हैं रफ्तार। आज की रफ्तार में हम मौजूद हैं चोलिस्तान रैली में। जी दोस्तों, तो आज चोलिस्तान डेजर्ट रैली का फाइनल राउंड है, तो देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियां विन करती हैं। हमारे साथ मौजूद है सलमान खान, तो आए उनसे बात करते कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, ये बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी तो ये है कि पहले हमें बताया था कि 235 किलोमीटर होगा, उसके हिसाब से मैंने की थी, लेकिन एकदम से चेंज कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह अच्छा बेस्ट करके दिखाऊंगी। अभी काफ़ी 100 गाड़ियाँ जा चुकी हैं, ट्रैक काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो देखते हैं क्या बनता है। कॉम्पिटिटर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए अभी फिलहाल मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, इस वक्त मैंने अपनी रेस बेस्ट करके दिखानी है। आपको चोलिस्तान का ट्रैक कैसा लगा सर? बहुत ही एडवेंचरफुल है और देखें थ्रिल है, और पर कल प्रिपेयर्ड की गाड़ियाँ इस पर गुजर चुकी हैं, तो ट्रैक हमारे लिए काफ़ी टफ हुआ है, हमारे लिए टफ टाइम होगा। सर, इससे पहले आपने कोई रेस की है या आपका फर्स्ट टाइम? नहीं, इससे पहले मैं 3 दफ़ा रेस कर चुका हूँ, 4 टाइम है मेरा। सर, ये बताएं कि आपको बाकी ट्रैक से ये चोलिस्तान का ट्रैक किस तरीके से आप कंपेयर कर? सर, ये पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ट्रैक है चोलिस्तान, जिसको इंटरनेशनल लेवल को भी इसको वॉच आउट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी रैली होती है हमारे पाकिस्तान की 5-6 रैलियों में से ये। सर, ये बताएं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन? गाड़ी को तो मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है सस्पेंशंस में, लाइक शॉक्स हैं, किंग्स डाले हुए हैं इसमें, लीफ स्प्रिंग्स लाइक और मॉडिफाइड हैं, और टायर हैं इसमें, अलॉय रिम हैं, और गियर, एवरीथिंग आपको इसको मॉडिफाइड करनी पड़ती है, सीट्स, हर चीज़ को लेकर हर चीज़ को फिगर आउट करनी पड़ती है। सर, आपका नाम? अफनान मोहम्मद। अफनान भाई, ये बताएं कि कौन सी गाड़ी है आपके पास? ये रेंगलर है। और इसमें क्या मॉडिफिकेशन की है आप? यार, मॉडिफिकेशंस के वो ड्यूल शॉक्स होते हैं और बाकी इंजन के साथ कुछ ऑल्ट्रेशंस वगैरह होती हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप कितने टाइम से रेस कर रहे हैं? यार, ये मेरा सेकंड टाइम है, लास्ट टाइम मैं थल में था, अब ये दूसरी बार हो। तो थल का एक्सपीरियंस कैसा है? थल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और आपको क्या लगता है कि दोनों के ट्रैक में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा हार्ड ट्रैक है और स्ट्रेट है, वहाँ ज़रा टर्न ज़्यादा आते हैं और बड़ा सैंडी है, ज़ोर ज़्यादा लगता है गाड़ियों का। ये बताएं कि आपको इस बार चोलिस्तान रैली का ट्रैक कैसा लगा? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टर्न्स एंड ज़्यादा इजाफा हो गए कुछ, और कुछ डिचेस वगैरह ज़्यादा बढ़ गए इस दफ़ा, तो जो ट्रैक इन्होंने सेलेक्ट किया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और चैलेंजिंग भी है, लेकिन क्योंकि रेस है तो चैलेंजिंग तो होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला देखें करेंगे उसको हम अच्छी तरीके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप अपनी कौन सी गाड़ी इस बार लेकर आए? मैं जी ये फोर्ड रैप्टर लेके आया हूँ, ये 2.7 है। तो सर, ये बताएं कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन है? ऐसी मॉडिफिकेशन इसमें जी, ये पूरी इसका सस्पेंशन जो है वो अमेरिका से बना है, सारा गाड़ी वहीं से तैयार करवाई थी। इसमें 2 टर्बो हैं, तो 2.7 की क्लास है, इसमें पावर अच्छी है, तो बाकी थोड़ी सी ट्रैक की क्लास से थोड़ी बड़ी गाड़ी है, क्योंकि ट्रैक आपने अगर देखा हो तो ट्रैक जो है बहुत जगहों पर बहुत नैरो है, बहुत छोटी छोटी मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हैं और उस तरह का है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो वाला, लेकिन जो खुले इलाके हैं वहाँ पर हमें फ़ायदा होगा, ट्रैक जो जहाँ पर टाइट है वहाँ थोड़ा हमें प्रॉब्लम होगी। नदीम भाई, ये बताएं जो नए नए रेसर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं कि उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहते हैं? देखें, नए रेसर्स का आना बहुत ज़रूरी है, हम तो देखें तकरीबन 25 साल से रेस करते आ रहे हैं, नादिर मुफ्ती साहब हो गए, खालिद मुफ्ती साहब हो गए, आमिर मुफ्ती साहब हैं वो रेस कर रहे हैं, रोनी पटेल हैं, कृष्णा हैं उनकी वाइफ, वो रेस करती आ रही हैंगी, अभी नई ड्राइवर आ गई सलमा, उन्होंने जो है वो काफ़ी अभी रेसेस जीती हैंगी, और भी लड़के आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, बच्चे, खालिद भाई का बच्चा है जाफर वो आ गया है, उधर जो है आमिर भाई का बच्चा आ गया है, तो अभी बच्चे सारे हम लोगों के बच्चे आते आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये ख़ानदानी एक काम रहे कि ख़ानदान के बच्चे आ रहे हैं, मेरा बच्चा आ गया, इनका बच्चा आ गया, हम चाहते हैं कि इसमें आवाम भी और आएँ, लोग जो दूसरे हैं वो आएँ, शौकीन जो लोग हैं वो आएँ, इसमें देखें कि हमने गाड़ियाँ अपनी किस तरह बनाई हुई हैं, उसको वो कॉपी करें, क्या शॉट्स डालें हमने, कौन सी गाड़ी बनाई है, तो मेरे यंगस्टर्स को यही जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग आएँ इसको देखें। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, ये बताएं कौन सी गाड़ी है? निशान सफारी, एक कैटेगरी, ए प्रीपेड। सर, इसमें आपने कौन सी मॉडिफिकेशन की है? इसमें जी किंग के सस्पेंशन है और 4.0 लीटर पेट्रोल इसका इंजन है जी।
सर ये फर्स्ट रेस है आपकी, इससे पहले रेस कर चुके हैं? मेरी थर्ड रेस है जी, इंशाल्लाह जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है चोलिस्तान का? सर अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी खुशी के साथ, बड़े इसके साथ आते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं तुष्णा, तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन सी कार है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन है? जी ये टोयोटा टकोमा है और ये फुली प्रिपेयर्ड है। इसमें आगे और पीछे पूरा टोटल केओस का सस्पेंशन लगा हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने एक दोस्त को दूंगी जिन्होंने मुझे ये गाड़ी पूरी तैयार करके दी है, और मेरे हस्बैंड को भी क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने साथ दिया है इस गाड़ी को तैयार करने में। अमूमन मोटर स्पोर्ट्स में मर्दों को शौक़ होता है, तो आपको ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ? जी बिकॉज मेरे हस्बैंड पहले से इस स्पोर्ट के अंदर है, तो इस वजह से मेरा इस स्पोर्ट में आना बहुत ईजी हो गया था। मगर मैं पहली चोलिस्तान से यहाँ आ रही हूँ, आज माशाल्लाह 14 साल हो गए हम चोलिस्तान आ रहे हैं। तो आपको चोलिस्तान डेजर्ट का रैली का ट्रैक कैसा लगा? ट्रैक बहुत मुश्किल है, नाम पता बैंक बैलेंस सब पूछ लेती है ये मिट्टी, और मुश्किल है, बस अल्लाह करेगा, आप लोग सबकी दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रही हूँ ताकि वो आएँ और उससे मुकाबला बेहतर होता है, इम्प्रूवमेंट होती है बंदे में और वो अच्छे टाइम देता है। थैंक यू सो मच। चोलिस्तान का ट्रैक जी बड़ा इंटरेस्टिंग और इस दफ़ा बड़ा टफ है। मैं पिछले तकरीबन 13 साल से तमाम रैलीज़ कर रहा हूँ, मैंने सारी चोलिस्तान की हैं आज तक, 2005 से अब तक, तो मुझे ये सबसे टफ और सबसे एडवेंचरस ट्रैक लगा इस दफ़ा वाला। ये बताएं कि आप इस वक्त कहाँ से आए हैं और आपकी जर्नी कैसी थी? जी मैं चिश्तियाँ, तहसील चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है, यहाँ करीबी का इलाका है मेरा, वहाँ से ताल्लुक़ है। और मेरा डेजर्ट ईगल रेसिंग टीम हमारी एक क्लब है जिससे मेरा ताल्लुक है, और उस क्लब की तरफ से हम 7 गाड़ियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लाहौर में हमारा सारा सेटअप है रेसिंग के हवाले से। जी सर आप ये बताएं कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये रेस विन कर दें? देखें कॉन्फिडेंट तो मैं 100% हूँ, कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं खैरियत से वापस आऊँ और मेरी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। सबसे मेन चीज़ इस रेस में ये होता है कि आप ट्रैक कंप्लीट करें, बाकी जीत हार तो फिर बाद में पता चलेगा कि क्या। सर आपका नाम? तारिक खान कोचाई। तारिक भाई ये बताएं कि ये कौन सी गाड़ी है आपके पास? यार मेरे पास तो 80 सीरीज है लैंड क्रूजर, और इस पे मैंने नाम रख दिया क्रेकन। अच्छा इसकी हमें आपने क्या मॉडिफिकेशन? यार इसका इंजन चेंज किया है और शॉक चेंज किया है, बाकी और भी इस तरह जो सामान है ना, जो स्पेयर पार्ट और चेंज किया है स्पोर्ट्स के लिए चेंज किया है। अच्छा मुझे ये बताएं आप जब रेकी पे गए थे तो आपको ट्रैक कैसा लगा? यार रेकी के या तो ट्रैक बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि जो ये रेस है ना 4x4 क्लब का जो जीप का है ना, तो सीधा रूट तो नहीं है, तो जाहिर है तो इसमें तो रास्ता में कुछ मसले हैं, लेकिन ट्रैक बहुत अच्छा बना है फिर भी, और इस तरह कोई डेंजर मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हर ड्राइवर अपने आप के काबू करनी चाहिए और डरना नहीं है। सर आपका नाम क्या है? मखदूम अली। मखदूम साहब ये बताएं कि आप कितने टाइम से रेस कर रहे हैं? मुझे हो गए हैं 5-6 साल। मखदूम भाई ये बताएं कि चोलिस्तान रैली का एक्सपीरियंस कैसा था पिछली बार? बहुत अच्छा था, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इस टाइम देखें इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। तो आप किसी रैली के विनर रह चुके हैं? जी मैं स्टॉक में एक दफ़ा झल का विनर हूँ, और ये लास्ट अभी उधर झल मक्सी में मैं 3rd आया था अपनी कैटेगरी में। जी व्यूअर हमारे साथ मौजूद है शाहजैन अब्बासी, तो आए उनसे बात करते हैं। तो सर ये बताएं कि आप कितना कॉन्फिडेंट है इस रेस के लिए? बहुत कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, 100% इंशाल्लाह। और सर आपकी क्या स्ट्रेटजी बनी हुई है इस बार? बचा के चलानी है, ट्रैक का हाल बहुत ख़राब है, कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। तो सर ये बताएं कि आपको कॉम्पिटिटर कौन सा सबसे ज़्यादा टफ लगता है? सब अच्छे हैं, सब स्ट्रॉन्ग ड्राइवर हैं यार, कोई किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, जो यहाँ आता है इतनी तैयारी करके वो कुछ करके ही आता है, तो बस हम अपना जोर देंगे, को मतलब इलेक्शन तो नहीं है, रेस है, मुकाबला पूरा करेंगे इंशाल्लाह, ट्रॉफी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है व्यूअर्स अस्मा, तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ये बताएं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन? देखिए मेरे पास वीगो है, 3000 है, मॉडिफिकेशन सिर्फ सस्पेंशन की होती है, प्रोफेंडर के सब सस्पेंशन लगे हुए हैं, इतनी मॉडिफिकेशन। अच्छा मुझे ये बताएं कि चोलिस्तान रैली का आपको डेजर्ट का आपको वो कैसे लगा है?
ट्रैक? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है यहाँ पे, लास्ट ईयर मैं सेकंड थी और इस साल क्योंकि लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मुझे थोड़ा ट्रैक का इतना पता नहीं था, इस साल मुझे ट्रैक का भी पता है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पहले से बेहतर परफॉर्म करूँ। आप कहाँ से और आपकी कैसी जर्नी रही यहाँ तक आने? जी मैं लाहौर के PMRC क्लब से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, आप ये बताएं कि आप चोलिस्तान रैली डेजर्ट के ट्रैक को बाकी ट्रैक से किस तरीके से डिफरेंशिएट करती हैं? यहाँ का ट्रैक बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियाँ आके पार्टिसिपेट करती हैं। अब आप अगर देखते हैं जो हमने पहले रैकी की थी वो ट्रैक कुछ और था, अब जो है उसका मसला ये है कि उसके ऊपर से कोई 170 गाड़ी गुजर चुकी है, जब हमारी बारी आएगी तो वो ट्रैक का जो कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया होगा वो होगा, ठीक है, तो हमारे लिए वो ट्रैक बहुत मुश्किल हो जाता है। जी आप ये बताएँ कि आप कॉम्पिटिटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये एक स्पोर्ट है और आई थिंक इसमें कोई हार जीत हर एक की होती है, इसमें कोई उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए और ना कोई ग्रज रखना चाहिए बिकॉज हार जीत तो स्पोर्ट में है ही। सर आपका नाम? मोहम्मद तनवीर झंडीर। सर ये बताएं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन? इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये ए स्टॉक में मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ये 8 सिलेंडर है और 4700cc गाड़ी है। अच्छा सर मुझे ये ट्रैक के हवाले से बताएं, चोलिस्तान का ट्रैक आपको कैसा लगा? एक्सीलेंट ट्रैक है और हम जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि मैं यहीं का तकरीबन हूँ तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द टूरिस्ट भी कर रहे हैं और जो नेशनल लेवल पे जितने भी आ रहे हैं रेसर्स उनके लिए भी हमने सारी अरेंजमेंट्स की हैं और बहुत एक पूरे ट्रैक को हमने क्लियर भी कराया है, साफ़ भी कराया है, ठीक भी कराया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रैक है बेस्ट कंडीशन में है और वन ऑफ़ द बेस्ट ट्रैक्स में से है और ये रैली जो है ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए बहुत ही प्रमोशन ले आएगी, टूरिस्ट प्रमोशन होगी और इससे पाकिस्तान का एक अच्छा नाम बनेगा। सर आपका नाम? मीर अहद खान शाह तकजी, बलूचिस्तान से आया हूँ, क्वेटा शहर से। सर ये बताएं कि आपको चोलिस्तान रैली का ट्रैक कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, चैलेंज है, एक्सेप्ट किया है हमने, इंशाल्लाह लड़ेंगे इसके साथ, बाकी रेस है देखेंगे। सर आपके पास कौन सी गाड़ी है और उसमें क्या मॉडिफिकेशन है? ये मेरे पास सर्फ गाड़ी है और 3400cc है ये। जी हाँ। अच्छा सर ये बताएं कि चोलिस्तान रैली का ट्रैक दूसरे ट्रैक से किस तरीके से मुख्तलिफ है? ये टोटल रेतीला ट्रैक है, टोटल इसमें रेत ही रेत है और बड़ी बड़ी वो है टिब्बे हैं। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में ऐसे रेसिंग जोन ही चाहिए? जी हाँ होती है मुख्तलिफ इलाकों में, जलमक्सी में, गवादर में, हमारे क्वेटा के करीब भी अभी इंशाल्लाह अप्रैल में हो रही है, तो हम सबको वेलकम कहते हैं कि वहाँ पर लोग आए और उसमें पार्टिसिपेट करें। तो सर ये बताएं कि अभी आप स्टॉक कैटेगरी के लिए रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल आप प्रीपेड का मूड है आपका? जी नहीं, हम स्टॉक में ही फिलहाल बगा रहे हैं, 2-3 साल स्टॉक में बगाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे प्रीपेड भी जा सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रेस है, इससे पहले आप रेस करते हैं? नहीं, 2006 से रेसेस कर रहे हैं हम। तो कभी कामयाबी हासिल हुई है? जी माशाल्लाह, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन हमेशा हमारी होती है जब भी हम पहुँच जाते हैं। दोस्तों मैं तो चोलिस्तान रैली बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आए लोगों से पूछते हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। सर ये बताएं कि आप रैली एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल जी, हमारी इस टाइम दो गाड़ियां दौड़ रही हैं जिसमें एक गाड़ी अभी तकरीबन ये कोई 1 मिनट पहले निकली है और वो गाड़ी हमारी भी दूसरे नंबर पर आई थी और वो चला रहे हैं आसान मियाँ, मियाँ अमीर जंजीर साहब के बेटे हैं, और दूसरी गाड़ी मियाँ मीर जंधीर साहब उनके जो वालिद हैं अपने भाई के साथ चला रहे हैं, तो हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जी, बड़ा अच्छा माहौल है। हम लोग फैसलाबाद से आए हैं स्पेशली रैली देखने के लिए ना, और मेरे साथ मेरा बेटा है, उसको बड़ा शौक था कि मैं रैली देखूं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो सर ये बताएं कि चोलिस्तानी क्यों आती, चोलिस्तानी जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रैली? नहीं, फर्स्ट टाइम में निकले हम इस शौक में ना, बच्चे के बेटे की शौक की वजह से ना, तो इंशाल्लाह और भी जाएंगे जहाँ भी रैली होगी और भी जाया करेंगे। हम सियालकोट से आए हैं और हम लोग परसों से आए हुए हैं इधर, और जो है वो माशाल्लाह इतनी दूर से इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने इधर कैंपिंग किया है, कैंप लगाया हुआ है अपना, और मतलब बहुत ज़बरदस्त माहौल है, अच्छी पिकनिक जा रही है और रैली का भी बहुत शौक है, इसलिए इतनी दूर से देखने हैं, इतना बड़ा इवेंट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है उसके लिए उनको वो बहुत ज़बरदस्त किया है, ऐसी गैदरिंग जो है वो होनी चाहिए लोगों जहाँ पे इकट्ठा हुआ। अब हम इतनी दूर से आए हैं
तो उसका मकसद यही है कि बस लोगों में इस चीज़ का शौक है। आप ये बताएं कि आपका कोई फेवरेट ड्राइवर है जिसको सपोर्ट करने आए या जिसको देखने आए, जिसकी मोहब्बत में आप सियालकोट से आए हैं? जी जी बिल्कुल, हम साहिबजादा सुल्तान साहब की सपोर्ट में आए हैं और इसके पहले भी रैलियों में आते रहते हैं और इस दफ़ा भी आए हैं। सुल्तान बहादुर जी साहब हैं और सुल्तान मोहम्मद अली साहब पहले भी रैलियाँ अटेंड की हैं, लेकिन ये रैली ज़रा बड़ा इवेंट है, 500 किलोमीटर का ट्रैक है, सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और बहुत अच्छा एक इवेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। इससे भी अच्छा अच्छा होना चाहिए और इलाकों में भी होना चाहिए, एरियाज़ में जैसे सियालकोट है, इस्लामाबाद है, इस तरह में इस्लामाबाद में भी हुई थी, लेकिन ये बड़ा इवेंट है। सर भाई, आपके यहाँ आने का, चोलिस्तान रैली में आने का मकसद क्या है? ये मकसद ये हमें ये इवेंट करवा रहे हैं चोलिस्तान का, हम पंजाब टूरिज़म से हैं तो ये 14वीं हमारी जीप रैली जा रही है तो और इंशाल्लाह ये इवेंट इतना बड़ा इंटरनेशनल जो है ना भी अपना इवेंट हो रहा है जी। तो सर आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? ये हमारा मकसद ये जो ये जो इलाका जो है ना अपना चोलिस्तान डेजर्ट एरिया, ये पहले इतना प्रमोट नहीं था, अब ये जब चोलिस्तान में ये जीप रैली हो रही है, 14वीं जीप रैली हो रही है, इतना प्रमोट हो गया, लोगों को शहूर मिल गया है और लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं और बहुत बड़ी जीप रैली कार रैली हो रही है जी। आप मुझे ये बताएं कि आपका टूरिज़्म में कौन सा डिपार्टमेंट, आप किस किस उसके लिए काम करें? जी हमारा काम होता है लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना, मतलब उनको सर्विस देना, उनके साथ मिलजुल के काम करना, लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से प्रमोट करना, तो ये हमारा काम है। जी दोस्तों, हम मौजूद हैं स्टेज वन की फिनिश लाइन पे, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी फर्स्ट आती है और कौन सी सेकंड। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं जैन महमूद, तो आए उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं स्टेज वन का। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी, ये पहली दफ़ा मैंने ए प्रिपेयर्ड में कम्पीट किया है चोलिस्तान में, वैसे तो पिछले 3-4 साल से कह रहा हूँ। ट्रैक बहुत अच्छा बना हुआ था और अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे और हमने बहुत इन्जॉय किया आज। तो सर ये बताएँ कि आपको चोलिस्तान का ट्रैक कैसा लगा? चोलिस्तान का ट्रैक जो है ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा रेसिंग ट्रैक है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा शायकीन इधर ही आते हैं। पाकिस्तान में 3-4 और रेसेस भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फुटफॉल इसी का है। इसकी रीज़न चोलिस्तान की खूबसूरती और इसके ट्रैक की जो है वो थ्रिल जो है ड्राइवर्स के लिए वो है। अच्छा सर, ये बताएं आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करें? मेरे पास ये 4 लीटर टकोमा है, ये अमेरिकन ट्रक है और वहीं से जो है पार्ट्स ले कर इसको प्रिपेयर किया गया है यहीं पर लोकली, तो ये मैं चला रहा हूँ। सर इसमें क्या मॉडिफिकेशन है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस इंजन में नहीं है, पर इसकी सस्पेंशन फुली मॉडिफाइड है, गाड़ी लाइट वेट है, फाइबर ग्लास की बॉडी है इसकी, और भी इस तरह से काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह 9:09 पे मेरा लॉन्च था, आई जस्ट फिनिश्ड माय रेस, अल्हम्दुलिल्लाह द ट्रैक वेंट वेल। आखिर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया टायर का, टायर प्रेशर कहीं कम हुआ है और गाड़ी का टायर उतरा है, सो आई टू ड्राइव अराउंड 10-15 किलोमीटर्स विदाउट द टायर, वो टायर फट गया तो हमें चेंज करने में टाइम ज़्यादा लगना था तो हमने। ये बताएं कि चोलिस्तान रैली का जो ट्रैक है वो कैसा लगा आपको? जी चोलिस्तान रैली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली है और सबसे इंटरेस्टिंग रैली है और हमेशा से मेरा फेवरेट ट्रैक रहा है चोलिस्तान का। और मैं जब फर्स्ट टाइम वो 2015 में आया था तब मैं सी स्टॉक में था, तभी मैंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी यहाँ पे। सर ये बताएं कि इस वक्त आपके पास कौन सी बीस्ट है? ये जी टोयोटा टकोमा 2012 US से इम्पोर्ट की है जी, और इसको प्रिपेयर किया है विद किंग शॉक्स, टोटल क्रॉस सस्पेंशन और फिर सेफ्टी के लिए सारे वो हमारे रोल केजेस और स्पार्को सीट्स और हार्नेसेस और अब अपना ये सारा जी। एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, लेकिन गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मेरा कोई 40-45 किलोमीटर्स पे गियर थर्ड गियर फेल हो गया, टर्बो क्योंकि सिंगल टर्बो गाड़ी है तो हमारी रेंज सेकेंड गियर की 90 किलोमीटर पर ख़त्म होती है, उसके बाद थर्ड गियर की 155-160 पे, तो मुझे गैप लैक आ गया, उसने बिल्कुल बहुत परेशान किया। थैंक्स टू माइटी अल्लाह कि रेस खैरियत से ख़त्म कर ली। जहाँ तक ट्रैक का ताल्लुक है, कल प्रिपेयर्ड गाड़ियाँ क्योंकि उस पर से गई थी बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में था, जो हमने 4-4 रेकीज की उसके बिल्कुल मुनासबत में नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा रट्स, फास्ट सेक्शंस भी थे, ड्यून सेक्शंस भी थे। मेरे ख्याल से हमने ओवरऑल अच्छा टाइम कवर किया है, प्रोविजनल सेकेंड हूँ अभी मैं, इंशाल्लाह आगे देखें, होपफुली अगर यही रिज़ल्ट रहता है
تو میری ایکسپیکٹیشن سے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو میچ کیا ہے. بہت زبردست ٹریک ہے اور اس دفعہ تھوڑی بارشیں وغیرہ بھی اچھی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ٹریک کافی ہارڈ ہو گیا ہے اور مٹی کم ہے. ٹھیک ہے نا, سینڈی ہے بٹ یہ کہ زبردست ٹریک ہے. مطلب ہم نے کل بھی ایک ریکی کی ہے اور آج بھی ہماری ماشاء اللہ کافی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں, ایک ہماری گاڑی بھی پہنچی ہے ابھی. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, زبردست ہے اور بڑا ایونٹ ہے میڈیا کا. بڑا مطلب آپ لوگ ماشاء اللہ اس کو بڑا کوریج دے رہے ہیں آپ لوگ نے اس کو, مطلب موٹر اسپورٹ کو کافی جو ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ فرسٹ ریس ہے, اس سے پہلے آپ ریسنگ کرتے رہے؟ نہیں نہیں, مجھے جو ہے تقریباً 2009 سے میں نے اسٹارٹ کی ہے اور 2009 سے کنٹینیوسلی جو ہے ہم اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ فینس ہیں بس ان کو اپنا شوق بھی ہے. ایک دوسرا یہ کہ اچھا اسپورٹس ہے, ایکٹیویٹی ہے. مطلب سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں دوسرے ٹریک سے اور چولستان کے ٹریک کو؟ چولستان کا جو ٹرین ہے بیسکلی اس میں جو ہے یہ جو سینڈ کا کیسا ہے, جیسے گوادر کا ایک ٹریک ہے وہ جو ہے سینڈ جو ہے ڈفرینٹ ہے, مٹی جو ہے وہ پاؤڈر ہے, یہ جو ہے سینڈ ہے جس کو ریت کہتے ہیں ہم, یہ جو ہے وہ اس کا یہ الگ ٹرین ہے. اور جیسے جھل مکسی کا جھل کا ہو گیا, جھل یہ ٹرین ہے, اس میں یہ کہ سینڈی بھی ہے, راکی بھی ہے, ہارڈ ہے, ساری چیزیں ہیں. اب یہ جو ہے اس کا چولستان کا جو ہے سیم پیٹرن ہے, صرف سینڈ 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 سینڈ, مطلب آل دا وے جو ہے وہ مطلب یو ہیو ٹو ورک ود اٹ. جی دوستو, تو کیسا لگا آپ کو چولستان اور چولستان کی ریلی؟ میں نے تو بہت انجوائے کیا, امید ہے کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.